और दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। मैं आप इस वर्डप्रेस की ट्रेनिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि होम पेज स्टैटिक पेज कैसे स्टैटिक पेज की कैसे सेटिंग की जाती है। मेरे पास ये पेजेस हैं, मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। ये मेरे पास तीन पेजेस हैं, और भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन होम पेज के लिए मैं होम पेज मैंने किया हुआ है, और ब्लॉग लेटेस्ट पोस्ट के लिए मैंने ब्लॉग का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको स्टैटिक पेज के तौर पर होम को सेटिंग करूं, लेटेस्ट पोस्ट के लिए ये मैं ब्लॉग का सेटिंग करूं, और स्टैटिक पेज में पेज की सेटिंग करने के लिए ये होम पेज पे जो शो करे थीम की डिमांड के लिहाज से, यानी थीम की जो सेटिंग है उसके हिसाब से मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सेटिंग का मेन्यू है। सेटिंग में आप जाकर रीडिंग पर जाएँगे, रीडिंग पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक रीडिंग सेटिंग फ्रंट पेज डिस्प्ले सेटिंग है, यहाँ पे शो हो जाएगी। योर लेटेस्ट पोस्ट से ये पहले की ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उसके अलावा जो जो नीचे लिखा हुआ है, ए स्टैटिक पेज सेलेक्ट बिलो, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो मैं अपने पेज है जो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ होम पेज पर, वो यानी कि जब वेबसाइट ओपन हो तो वही पेज शो हो, तो वो मैंने यहाँ पर सेटिंग करूँगा। तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ स्टैटिक शो करने के लिए। मैंने होम पेज क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा होम पेज फ्रंट पेज, मैं होम पेज शो करना चाहता हूँ, और पोस्ट पेज जो मैं वो ब्लॉग पे सेलेक्ट करूँगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 रखना चाहते हैं, पोस्ट कितनी शो हों होम पेज पर, लेटेस्ट पोस्ट ब्लॉग की जगह पर लेटेस्ट पोस्ट कितनी शो हों होम पेज पर, 10, और फीड पर भी ये इतनी हो, फुल लेंथ हो, ये आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च इंजन इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है, इंडेक्स नहीं करेगा आपको जो भी पोस्ट करेंगे, तो इस पर आपने क्लिक नहीं करनी। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने होम पेज कर लिया, या लेटेस्ट पोस्ट के लिए मैंने ब्लॉग पेज को क्रिएट किया हुआ था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट पेज पेज के लिए, फ्रंट पेज के लिए यानी होम पेज के लिए मैंने होम को सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अभी देखें, कोई अभी तो कोई पोस्ट नहीं है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। स्टैटिक पेज होम पेज में क्लिक करूँगा तो होम पेज पे आ गया, ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो ब्लॉग पे ये वही लेटेस्ट पोस्ट वगैरह यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। लेकिन होम पेज करेंगे, अभी मैं पोस्ट करूँगा, इसमें पोस्टिंग करूँगा तो ये फिर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से एक मेरा ख्याल है प्रॉब्लम भी हो रही है। स्टैटिक पेज में यहाँ पे शो करना चाहता हूँ ब्लॉग वाला, तो ये यहाँ पे पेज मैंने मेन्यू पे सेटिंग की हुई है, तो ज़ाहिर इसको मैंने रिमूव करता हूँ, तो फिर चेक करके देखता हूँ ये क्या करता है। उसके लिए मैं जाता हूँ अपेयरेंस में, यहाँ पर लिखा हुआ मेन्यू, मेन्यू से मैं इसको ब्लॉग वाले को रिमूव करता हूँ, ब्लॉग को, ब्लॉग वाले पेज को मेन्यू से रिमूव करता हूँ, तो सेटिंग सेव करता हूँ। तो अभी होम पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या शो करता है, ठीक है। तो अभी यही है, अभी मैं पोस्ट करता हूँ तो फिर देखते हैं पोस्टिंग में क्या आता है। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इस पोस्टिंग करेंगे तो ये इसका मेन्यू जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, शुक्रिया।